नमस्कार, मैं रचना गौर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। जन्माष्टमी आ रही है तो हम भगवान के भोग के लिए कई तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं और फलाहार भी बनाते हैं। जैसे भगवान के जन्म के बाद में कई कई लोग जो खाना खाते हैं, और क्योंकि उस एक ही वक्त हम ठोस आहार लेते हैं, सारा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, लेकिन जो खाना है उस तरीके का ठोस आहार हम लेते नहीं है, तो एक ही टाइम खाते हैं। तो कई लोग तो खाना खाते हैं और कई उस वक्त भी जब जन्म होता है उसके बाद में फलाहार ही करते हैं। तो मैं आज आपके साथ में वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फलाहार की रेसिपी है। तो पूरी रेसिपी है इसमें आपको, और अच्छा खाना है ताकि डाइजेस्ट हो जाए, पूरा दिन का आप भूखे पेट रहते हो, और ऐसा खाना होना चाहिए जिससे कि आप पचा सके रात को सोते वक्त भी। तो आज मैंने वही रेसिपी शेयर की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। एक और रेसिपी के साथ मैं जल्दी आऊँगी। चलिए बना लेते हैं आज हमारे व्रत की रेसिपी। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया, और इसमें मैं ये देखिए एक आलू और एक छोटी सी पतली सी लौकी है, इसको मैंने इस तरह से छील के काट लिया है। ये दोनों सब्जियाँ मैं इसमें उबलने के लिए डालूँगी। इनकी जगह या इनके साथ ही आप और भी सब्जियाँ जैसे व्रत में खाने वाली होती है वो ऐड कर सकते हो। कमल ककड़ी हुई, पेठा हुआ, कद्दू हुआ, जो सब्जियाँ आपके घर पर अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों थी तो मैं ये दोनों उबलने के लिए रख देती हूँ। तो एक साइड में हमारी सब्जियाँ उबल रही है, तब तक हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और गैस ऑन करके उसको उस पर रख देंगे। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग ये नारियल का सूखा नारियल का बुरादा है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ देखिए हमने अच्छे से इसको सेक लिया, कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें। तो अब हम दूसरे बर्तन में लेंगे इसको। अब इसी पैन में हम यहाँ पे 2 चम्मच मूंगफली लिए, छिलके वाली कच्ची मूंगफली है ये, इसको भी रोस्ट करेंगे। और हमको ये काम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से ये सिक चुकी है, और इनके छिलके हम सेकते सेकते इस तरह से उतर जाते हैं छिलके इनके मूंगफलियों के, और इनमें चटकने की आवाज़ आने लग जाती है। आप फुल फ्लेम पे करोगे ना तो ऊपर का ये पूरा छिलका जल जाएगा लेकिन अंदर से सिकेगी नहीं मूंगफली, इसलिए इनको बहुत कम फ्लेम में इनको रोस्ट करना चाहिए। ये हो चुकी है, अलग बर्तन में ले लेंगे इनको। अब उसी बर्तन में हम यहाँ पे 1 चम्मच जीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। इन सबको अलग अलग रोस्ट करने का ये मतलब है कि इनको सबको अलग अलग टाइम लगता है, इसलिए कोई जल्दी, ये देखिए जीरा हमारा तुरंत चटकने लग गया है। तो इस चक्कर में क्या सबको साफ करेंगे तो फिर कोई तो अच्छे से तड़क जाएगा, सिक जाएगा, कोई कच्चा रह जाएगा, इसलिए सबको अलग अलग हम सीखेंगे। ये सीख चुका है और अब हम अलग बर्तन में ले लेंगे इनको। मूंगफलियाँ ठंडी हो गई तो अब हम इनके छिलके उतार लेंगे, और बहुत आसानी से उतर जाता है। तो ये हमने सारे छिलके इनके उतार लिए, इस तरीके से हम फटक के और इनके छिलकों को अलग कर लेंगे। तो हमने ये सारे मूंगफलियों के छिलके उतार लिए, और आप देख सकते हो कि जब हम इनको कम आँच पर सेकते हैं ना तो छिलका भी नहीं जलता है और मूंगफलियाँ हमारी ये देखिए अंदर तक सिक जाती है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो खूब अच्छी सिकी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कि मूंगफलियाँ, नारियल और जीरा और ये दालचीनी, इन सबको मिला के और इनका पाउडर बना लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे इनको। यहाँ पे ये हमारी सब्जियाँ उबल गई, आलू और लौकी। तो अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा तो ना मैं मिक्सी में पीस लूँगी इनको, थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इससे हमारी क्या कि सांभर की जो ग्रेवी टाइप है ना थोड़ा थिक हो जाएगा, और तो कुछ हम डाल नहीं रहे हैं इसमें। तो हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, थोड़ा खड़ा खड़ा रख लेंगे जिससे कि मुंह में आते रहे। सांभर में वैसे भी जो सादा सांभर बनाते हैं ना बिना व्रत का, उसमें भी ज़्यादा चीज़ें मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम चीज़ें होती है। तो ये हम रख लेते हैं, बस इतना सा पीस लेती हूँ मैं। तो अब सांभर बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया, बर्तन रख दिया, इसमें तेल डालेंगे और तेल हम 1 चम्मच डालेंगे इसमें। तेल को गर्म होने के बाद में सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच दाना मेथी, यहाँ पे ये 2 लाल मिर्च है वो डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद में अब ये जो पेस्ट हमने पीसा था सब्जियों को वो वाला डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही हमने यहाँ पे इमली को पानी में भिगो के और उसका ये पानी निकाल लिया है, पल्प है उसका। तो ये मैंने 4 चम्मच इसका ले लिया इमली का पानी, ये भी ला देंगे।
इसके साथ ही हमने एक हरी मिर्ची उसको काट लिया और मीठे नीम की पत्तियाँ ये भी डाल देंगे। अगर हम डायरेक्ट तेल में डालते हैं मीठे नीम की पत्तियाँ तो ये जल जाती हैं और अभी इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इस वक्त ये सब काम करते हुए हमें फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है। इसको हमें कुछ देर पकाने के बाद में इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच सेंधा नमक या फिर स्वादानुसार आप कम ज़्यादा जितना भी खाएं, चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च हम व्रत के लिए अलग से पीस के रखते हैं ताकि इसमें अन्न के हाथ नहीं लगे। इसके साथ ही हमने मूंगफली, नारियल और ये सब पीसा था, जीरा और दालचीनी ये पेस्ट डाल देंगे और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें हमने पीसा था, उसमें हम आधा कप के लगभग पानी डाल के और इस मसाले को पकने देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जाली पड़ने लगी है, मसाला हमारा पक चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पानी डालेंगे, तो यहाँ पे नाप के 2-3 कटोरी, क्योंकि सांभर पतला ही अच्छा लगता है। और अब हम इसमें उबाल आने देंगे पानी में। पानी में उबाल आ गया है तो अब हम हमारी ये उबली हुई जो हमने बाकी सब्जियां रखी थी ये इसमें डाल देंगे और सब्जियों को 2-3 उबाल आने तक इनको इसमें पकने देंगे। तो ये देखिए हमारे सांभर को उबलते हुए 2-3 मिनट हो गए, वो ये बन चुका है। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसमें कटा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारी व्रत वाली सांभर तैयार है। अब मैं बनाती हूँ मेंदू वड़ा या सांभर वड़ा जो व्रत में हम खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम हमारा वड़ा बनाएंगे, मेंदू वड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ सांवे के चावल लिए हैं, ये देखिए इस तरीके के होते हैं, गोल गोल ये, और इनको सांवा के चावल भी बोलते हैं, सांवा भी बोलते हैं और इनको मूर्धन भी बोलते हैं। तो इनको हम लोग नॉर्मली सांवा के चावल ही बोलते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो इनको मैंने क्या किया था, पानी से बहुत अच्छे से धो लिया, इनका गंदा पानी निकल गया और जब साफ पानी आने लग जाता उसके बाद में फिर इसको हमने पानी में भिगो दिया। यहाँ मैंने गर्म पानी करके इनको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। तो अब पानी निथार लिया है, इसके बाद में हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये आलू लिए हैं, तो मैंने छोटे छोटे आलू थे 3 आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया और इनके छिलके उतार लेंगे। आलूओं को आप उबालते ही पानी में से बाहर निकाल लें ताकि इनका पानी सारा निथर जाए। आलूओं को हमने छील लिया है। आप जब भी कोई आलू का पराठा, कटलेट या इस तरीके की कोई इनकी आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं तो आप आलूओं को उबाल के तुरंत पानी में से बाहर निकाल के इनको सूखने दें, जिससे क्या होगा इनका पानी निकल जाएगा। तो ये सूखे सूखे होंगे तो उनको बाइंडिंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सारा मसाला गीला हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये कद्दूकस कर रही हूँ, आप फोड़ भी सकते हो लेकिन इससे क्या गुठलियाँ नहीं रहेगी। तो ये लीजिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इनमें ये हरा धनिया डालूंगी, ये थोड़ी सी अदरक कटी हुई, आप कद्दूकस भी कर सकते हो लेकिन इनके पीस मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये 2-3 हरी मिर्ची काट ली ये डाल देंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सेंधा नमक, थोड़ी सी हींग। आप पहले इनको मिक्स कर लें फिर आप देख लेना कि आपको नमक कम ज़्यादा लगे तो उस हिसाब से आप ले लेना और यूज़ कर लेना। और अब हम इनको सबको मिक्स कर लेंगे और दूसरे अलग बर्तन में ले लेती हूँ मैं मिक्स करने के बाद में इसको। ये मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी है और अब मैं यहाँ पे ये सिंघाड़े का आटा है, तो जिस कटोरी से मैंने ये सांभर के चावल नापे थे 1 कटोरी लिया था मैंने, तो उसी से मैं 1/2 कटोरी ले रही हूँ और इनको थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ सिंघाड़े का आटा मैंने पूरा मिक्स कर दिया है और अब मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डालूंगी थोड़ा सा ताकि इसका कलर अच्छा आए हमारी मेंदू वड़े का। जो भी चीज़ आप ये व्रत में यूज़ करते हैं ना, हल्दी, मिर्ची वगैरह, तो इनको आप अलग ही रखें। तो अब हम इसको थोड़ी सी देर ढक के रख देते हैं और अब हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये मार्केट से लाया हुआ नारियल का चूरा वो काम में लिया है। आप घर पे भी नारियल को कद्दूकस करके और उससे बना सकते हैं, सूखे नारियल से भी बना सकते हैं, फ्रेश नारियल से भी बना सकते हैं। तो 1/2 कप मैंने ये लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच के लगभग सिकी हुई मूंगफलियाँ हैं ये लिए। आपके पास नहीं हो ना
तो आप इनको रोज जरूर करें, कच्ची कभी काम में न लें, स्वाद अच्छा नहीं आता इसलिए, बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक ली है काट के, ये डाल देंगे। दो तीन हरी मिर्ची है, इनको आप तोड़ के इस तरह से डाल दो। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये दो तीन चम्मच दही लिया है, दही आप ताज़ा ही लें, आधा चम्मच सेंधा नमक, और अब इसमें दो तीन चम्मच पानी मिला के हम इसको ऐड करके इसको पीस लेते हैं। तो चटनी को आप देख सकते हो कि इस तरीके से गाढ़ी है थोड़ी सी, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें और इसको फिर से इसको मिला लेते हैं। ये चटनी हमारी पीस के तैयार हो गई है, तो अभी ये गाढ़ी है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। तो जिसमें हमने चटनी पीसी थी उसी में से हमने घुल के और पानी डाल दिया है ताकि हमारी चटनी भी आ जाए और इस तरह से ये इतनी पतली हो जाएगी। फिर चटनी के लिए तड़का बना लेते हैं। पैन रख दिया गैस पे, ऑन कर दी गैस, इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी और उसके बाद में इसमें यहाँ पे आधा चम्मच में राई डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं एक साबुत लाल मिर्ची इसके दो टुकड़े करके डाल रही हूँ और उसके बाद में ये मीठे नीम के पत्ते हैं ये डालूंगी, तो थोड़ा सा तेल हमारा ठंडा हो जाए उसके बाद डालूंगी। और अब मैं ये मीठे नीम के पत्ते डाल दूंगी। मीठे नीम के पत्ते आप लास्ट में डालें, नहीं तो या तो जल जाएंगे तड़क के और ये बाहर भी आ सकते हैं उछल के। तो अब मैं ये तड़का चटनी में डाल दूंगी। ये हमारी नारियल की चटनी बनके तैयार होगी व्रत वाली। अब हम बड़े बना लेते हैं। तो ये हमने रख दिया था थोड़ी सी देर के लिए जब तक हमारी चटनी बनाई हमने नारियल की। यहाँ पर मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, बीज नहीं आने चाहिए, आप चाहें तो अमचूर भी डाल सकते हैं लेकिन नींबू की खटाई इसमें बहुत अच्छी लगती है। मैं एक चम्मच मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम बनाएंगे हमारे वड़े। तो उसके लिए ये मैंने हाथ गीला कर लिया थोड़ा सा और इसमें से इस तरीके के छोटे छोटे से हम लेंगे, अंगूठे से छेद कर देंगे और हाथ गीला रहेगा तो इसको छूटने में आसानी रहेगी। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से दूसरे हाथ में लेके फिर ऐसे करके और अब तेल में छोड़ देंगे हम। यहाँ पर तेल गर्म हो गया है तो अब हम हमारे वड़े इसमें डालते जाएंगे। ध्यान रखें थोड़ा ऊंचाई से और इनको लो से मीडियम फ्लेम पे आप इनको तलें हमेशा। और इनको इसी तरह से उलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पे ही आप इनको एक ही फ्लेम रखें इनकी और इनको तल लें आप। जब ये तले जाते हैं तो हल्के होके ऊपर तैरने लग जाते हैं, ये इनकी निशानी होती है। दो चार मिनट इनको जब तेल में आप शुरू में डालें उसके बाद में आप इनको बिल्कुल नहीं छेड़ें दो चार मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे ये हमारे वड़े हैं, ये 5 से 7 मिनट में अच्छे से तल के तैयार हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, और ये कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए, मैंने व्रत के मेंदू वड़े बना दिए हैं, नारियल की चटनी है, ये सांभर है। और आपको अगर सांभर में मिर्च वगैरह कम लगे तो आप डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो इसमें, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए, आपको मैं तोड़ के बता देती हूँ, ये देखिए बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, फटाफट बन जाते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी व्रत की रेसिपी कैसी लगी।